गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और बीए फर्स्ट थर्ड का कंबाइंड क्लास ले रहा हूं। आज का मेरा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कंज्यूमर सरप्लस को समझते हैं। कंज्यूमर सरप्लस है क्या? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वुड पे एंड व्हाट वी हैव टू पे व्हिच कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इन मैथमेटिकल टर्म कंज्यूमर सरप्लस सीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए टू बी पी डी एक्स माइनस आर। ए कंज्यूमर सरप्लस का मैथमेटिकल आप डिफाइन किए। तो अब कंज्यूमर सरप्लस पर बेस कुछ प्रॉब्लम का को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, इफ द डिमांड फंक्शन इज पी इज इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिमांड एक्स मोड इज 3, व्हाट विल बी कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर टू आप लोग, क्वेश्चन नंबर वन मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर टू आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, नाउ पुट इन एक्स इक्वल टू 3 इन पी वी गेट। तो एक्स का मान 3 प्राइस पी में पुट करते हैं। तो P दिया हुआ है P इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 3, 35 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 35 माइनस 6 माइनस 9, 35 माइनस 15 या 20, देयरफॉर P इक्वल टू 20। तो वी नो दैट R इक्वल टू P इंटू एक्स, R P इक्वल टू 20 इंटू एक्स इक्वल टू 3। तो 20 इंटू 3 60 रेवेन्यू मालूम हो गया। देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 पी डी एक्स माइनस आर। इंटीग्रेशन 0 टू 3 पी का है 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस आर का वैल्यू है 60। अब इसे सॉल्व करिए। तो 35 इंटीग्रेशन 0 टू 3 35 डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 60। 35 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन 0 टू 3 डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स डी एक्स माइनस 0 टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 60। 35 डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 टू 3 माइनस 2 एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 0 टू 3 माइनस 60। इस तरह से 35 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2 इंटू 3 एक्स का वैल्यू 3 9 बटे 2 माइनस 3 पर पावर 3 27 बटे 3 माइनस 60। 2 कट गया तो बच गया 9। 105 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 60 105 माइनस 78 इसको अब 27 यह हो गया आपका। देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस 27 यह हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्राइसेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड अंडर प्योर कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई लॉज। PD इज इक्वल टू 8 बटे 8 एक्स प्लस 1 माइनस 2 एंड PS इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस 3 रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर फोर आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो अंडर प्योर कंपटीशन वी नो दैट PD इज इक्वल टू PS और PD गिवन है 8 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू PS है आपका हाफ इंटू एक्स प्लस 3 और 8 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 2
इसको x बटे या x प्लस थ्री बटे टू और एलसीएम हो गया आपका x प्लस वन, तो एट माइनस तो टू एक्स माइनस टू इजकल टू एक्स प्लस थ्री बटे टू और तो यह हो गया एट माइनस टू यानी सिक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इजकल टू एक्स प्लस थ्री बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इजकल टू इसको टू से किए मल्टीपुल ट्वेल्व माइनस फोर एक्स सबको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स इधर ले आएंगे तो प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ट्वेल्व को माइनस ट्वेल्व इजकल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस नाइन इजकल टू जीरो अब इसको हल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस नाइन इजकल टू जीरो और एक्स कोमा ले लेंगे तो एक्स प्लस नाइन माइनस वन कोमा ले लेंगे तो एक्स एक्स प्लस नाइन माइनस वन लेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस नाइन फिर कोमा ले लेंगे एक्स प्लस नाइन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इफ इफ एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस नाइन तो आउटपुट क्वांटिटी कभी भी माइनस नहीं होता इज नॉट अप्लीकेबल इज नॉट अप्लीकेबल। इफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स नॉट इक्वल टू वन इज एक्सेप्टेबल या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो फिर वी नो दैट आर बराबर पी डी इंटू एक्स पी डी आपका दिया हुआ है आर इक्वल टू पी डी इंटू एक्स तो आपका एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एट बटे एक्स एक्स नॉट इक्वल टू वन तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन इन पी डी तो पी डी इक्वल टू एट बटे एक्स प्लस वन माइनस टू एट बटे एक्स का मान पुट करेंगे वन वन प्लस वन माइनस टू एट बटे टू इकट्ठे हो गया फोर माइनस टू यानी फोर माइनस टू यानी टू पी डी का मान पुट आर वी नॉट दैट आर इक्वल टू पी डी इंटू एक्स पी डी का मान टू एक्स का मान वन यानी आर देयरफॉर आर ज्ञात हो गया आपका डिटरमाइन हो गया टू तो कंज्यूमर सरप्लस देयरफॉर सी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन पी डी डी एक्स माइनस आर जीरो टू वन पी डी का मान है आपका एट बटे एक्स प्लस वन माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस आर का मान है दो और इसको इंटीग्रेट करेंगे एट बटे जीरो टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स बटे एक्स प्लस वन माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन डी एक्स माइनस टू एट इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स लॉग एक्स प्लस वन जीरो टू वन माइनस टू डी एक्स का एक्स जीरो टू वन माइनस टू तो एट अब एक्स का मान टू करेंगे वन एट लॉग एक्स प्लस वन टू माइनस टू इंटू वन टू माइनस टू यानी एट लॉग टू माइनस टू माइनस टू माइनस फोर देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस आपका इस प्रॉब्लम का कंज्यूमर सरप्लस होगा एट लॉग टू माइनस फोर यही हो गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर फोर द डिमांड एंड सप्लाई लॉज आर पी डी इजकल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड पी एस इजकल टू फोर्टीन प्लस एक्स रेस्पेक्टिवली फाइंड कंज्यूमर सरप्लस ए है आपका अंडर परफेक्ट कंडीशन तो ए बना रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी नो दैट पी डी इजकल टू पी एस पी डी का मान दिया हुआ है इसको हल कर देते हैं सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स सब कुछ इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 14 प्लस 36 इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 22 इक्वल टू जीरो और स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस
11x plus 22 is equal to 0. Or x common लेंगे, x minus 2 minus 11 common लेंगे, x minus 2 x minus 2 फिर common हो जाएगा, x minus 2 into x minus 11 is equal to 0. If x minus 2 is equal to 0, therefore x is equal to 2. If x minus 11 is equal to 0, therefore x is equal to 11. So is not acceptable. Is not applicable. क्योंकि ये आपका कंज्यूमर जो है कम वस्तु को खरीद करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा और इससे उसका व्यय कम होगा, इसलिए वह ज्यादा वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहेगा, तो एक्सेप्टेबल हो गया. एक्स नॉट इज इक्वल टू 2. तो अब नाउ पुटिंग, तो पुट करते हैं एक्स का वैल्यू पीडी में, तो पीडी इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16. वी नॉट हैव आर बराबर पीडी इंटू एक्स, तो पीडी आपका हो गया 16 इंटू एक्स का हो गया आपका 2 यानी 32. देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पीडी डीएक्स माइनस आर. इंटीग्रेशन 0 टू 2 पीडी हो गया आपका 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स माइनस आर हो गया आपका 32. तो 36 बाहर गया, 0 टू 2 dx माइनस 12 बाहर, 0 टू 2 x dx माइनस प्लस 0 टू 2 x स्क्वायर dx माइनस 32. 36 dx का इंटीग्रेशन x, 0 टू 2 माइनस 12 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, 0 टू 2 प्लस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बटे 3, 0 टू माइनस 32. और अब पुट करेंगे तो 32 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस 2 का क्यूब तो 8 बटे 3 माइनस 32. 72 ये हो गया आपका 24 प्लस 8 बटे 3 माइनस 32. इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 56/3. therefore consumer surplus 53/6 यह हो गया आपका अंडर परफेक्ट फंक्शन कंज्यूमर सरप्लस विल बी 56/3. अब बी हम बनाते हैं, तो अंडर मोनोपोली कंज्यूमर सरप्लस क्या कर लेना मोनोपोली, तो वी नो दैट आर बराबर पीडी इंटू एक्स, पीडी का वैल्यू है 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो 36x माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आर. तो वी नो दैट dr बाय dx, dr बाय dx को जाता है आपका मार्जिनल वैल्यू, इसका डिफरेंशिएट के विद रिस्पेक्ट टू x, तो 36 माइनस 12 इंटू आपका हो गया x स्क्वायर का 2x प्लस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36, ये हो गया आपका अमाउंट. तो बट सिंस सप्लाई प्राइस इज टू बी आइडेंटिफाइड विथ मार्जिनल कॉस्ट, तो इन मोनोपोली सप्लाई प्राइस जो है वह मार्जिनल कॉस्ट को बताता है. देयरफॉर एमसी इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम, वी नो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी. एमआर निकला है आपका 36 एमआर है 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, और 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 36 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस
22 is equal to 0. Or 3x square minus 3x minus 22x plus 22 is equal to 0. Or 3x comma ले लेते हैं. तो x minus 1 minus 22 common, x minus 1 is equal to 0. Or x minus 1 again common, 3x minus 22 is equal to 0. If x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1. If 3x minus 22 is equal to 0, therefore x is equal to 22 by 3. So again, is not applicable. Since कंज्यूमर हमेशा कम वस्तु का उपभोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, तो एप्लीकेबल हो गया एक्स नॉट इक्वल टू वन. तो अभी एक्स नॉट इक्वल टू वन इज एक्सेप्टेबल. पीडी इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वन, तो पीडी हो जाएगा आपका पीडी इक्वल टू सिक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर यानी 25. वी नो दैट आर बराबर पीडी इंटू एक्स. PD का मान हो गया 25 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 1, यानी R हो गया आपका 25. तो देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 PD dx माइनस R. इंटीग्रेशन 0 टू 1 PD का हो गया मान 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस R है 25. और 0 टू 1 इसको हल करेंगे 36 माइनस, तो 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर dx माइनस 25. अब इसको इंटीग्रेट किए, 36 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx माइनस 12 बाहर आ गया, 0 टू 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 x स्क्वायर dx माइनस 25. 36 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, 0 टू 1 माइनस 12 x dx का x स्क्वायर बाय 2, 0 टू 1 प्लस x स्क्वायर dx का x क्यूब बाय 3, 0 टू 1 माइनस 25. और 36 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 के 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 3 माइनस 25. और 36 माइनस 6 प्लस 1 बाय 3 माइनस 25. तो 36 माइनस 6 माइनस 25, 36 माइनस 31 प्लस 1 बाय 3, यह आपका 5 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम हो गया आपका 3, तो 15 प्लस 1. प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच ए पर्सन वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स वर्सेस हाउ मच दे कैन रिसीव बाय सेलिंग the good at the market price. In mathematical term, producer surplus is equal to R minus integration what limit A to B T dx. यह आपका producer surplus का फॉर्मूला है, इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम हम बनाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रोड्यूसर सरप्लस पर बेस्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाने का प्रयास करेंगे. तो इन इक्विलिब्रियम PD इज इक्वल टू PX. PD मालूम है, PD 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू PX है आपका 15 प्लस 9x. और 3x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 9x प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0. और 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 10 इक्वल टू 0. और 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0. और 3x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 10 प्लस 1 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 कॉमन 1 माइनस 10 इक्वल टू 0. और x माइनस 10 अगेन कॉमन लेते, x माइनस 10 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. इफ x माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 10. इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3. तो इज नॉट एप्लीकेबल, चूंकि
क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो देयरफॉर क्लियर हो गया, देयरफॉर x नॉट इज इक्वल टू 10। तो प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सरप्लस में हमेशा पीएस सप्लाई साइड को लेकर चलेंगे और कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड साइड को लेकर चलते हैं। प्रॉब्लम में है बेस प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस को लेकर चलेंगे। नाउ पीएस इज इक्वल टू 15 प्लस 9x। अब एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 10 इसमें, तो पीएस इज इक्वल टू 15 प्लस 9 इंटू 10, 15 प्लस 19 105। देयरफॉर पीएस टू बी नॉट एट आर इज इक्वल टू आपका हो गया पीएस इंटू एक्स, तो पीएस आपका होगा 105 इंटू एक्स हो गया 10, यानी 1050 हो गया आपका रेवेन्यू आर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस देयरफॉर पीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेस आर माइनस R माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 10 पी एस डी एक्स। तो R का वैल्यू है 1050 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 10 पी एस है आपका 15 प्लस 9x इंटू डी एक्स। तो 1050 माइनस 15 इंटीग्रेशन 0 टू 10 डी एक्स प्लस 9 बार इंटीग्रेशन 0 टू 10 x dx। तो 1050 माइनस 15 इसका हो गया आपका x 0 टू 10 प्लस 9 x स्क्वायर बटे 2 0 टू 10। तो 1050 माइनस 15 गुना इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 का 10 का स्क्वायर 100 बार 2 हो गया 50, क्या हो गया आपका 1050 माइनस 150 प्लस यह हो गया 950। तो 1050 माइनस 00600 यानी आपका हो गया 450। देयरफॉर प्रोड्यूसर सरप्लस आपका हो गया 450। नंबर एट है द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज पी इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस एक्स एंड क्वांटिटी सोल्ड इज 7 यूनिट, फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी गिवन है एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स नॉट इज इक्वल टू 7 या आपका पहले से मालूम है। तो नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 7 इन पी, पी में पुट करते हैं तो पी इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 7 रूट अंडर 16 यानी प्लस माइनस 4। तो पी नो पी इक्वल टू 4 क्योंकि माइनस से कभी भी प्राइस नहीं हो सकता है, तो पी 4। तो वी नो दैट आर इक्वल टू पी इनटू एक्स, यानी पी का मान 4 इनटू एक्स हो गया 7 यानी 28। तो देयरफॉर प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू आर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 7 पी डी एक्स। आर का वैल्यू 28 माइनस माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 7 तो आपका हो गया पी रूट अंडर 9 प्लस एक्स डी एक्स। तो 28 माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे 9 प्लस एक्स पर पावर 3 बाय 2 बटे 3 बाय 2 0 टू 7 और 28 माइनस 2 बार 3 इंटू 9 प्लस एक्स पर पावर 3 बाय 2 0 टू 7 और 28 माइनस 2 बाय 3 को बाहर निकाल लेते हैं 9 प्लस एक्स पर पावर 3 बाय 2 0 टू 7 और 28 माइनस 0 टू 3 अब वैल्यू पुट करेंगे 7 तो 9 प्लस 7 3 बार 2 माइनस 9 प्लस 0 9 प्लस 0 3 बाय 2 तो 28 माइनस 2 बाय 3 16 3 बाय 2 माइनस 9 3 बाय 2 तो 28 माइनस 2 बाय 3 4 स्क्वायर लिख सकते हैं 3 बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर 3 बाय 2 तो 2 कर दिया 2 कर दिया तो 28 माइनस 2 बाय 3 इंटू 4 का पावर क्यू 16 4
4 माइनस 3 पर पावर 2 27। तो इस तरह से आपका हो गया 28 माइनस 2 बाय 3 64 माइनस 27 हो जाएगा आपका 37। तो 28 माइनस 2 से मल्टीपुल कर देंगे, 2 से मल्टीपुल करेंगे 74 बाय 3। एलसीएम हो गया आपका 3, 28 इंटू 3 84 माइनस 74 यानी 10 बाय 3। देयरफॉर प्रोड्यूसर सरप्लस आपका हो जाएगा इस प्रॉब्लम का 10 बाय 3। बस आज के लिए इतना ही।